अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम खलिया और खलवी हैवान से इस सबक में प्लास्टिड्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्लास्टिड्स यानी लोन माया। नबातात के पत्ते हरे, फूल सुर्ख, जर्द, ज़ाफ़रानी जैसे कई रंगों के होते हैं। नबातात के पत्ते हरे होते हैं और फूल भी मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं। इसकी क्या वजह है? ऐसा रंग वाला हैवान सा सिर्फ नबाती खलिये में होता है, जिसे लोन माया कहते हैं। लोन माया दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। इनमें दो झिल्लियाँ होती है और इनकी दो किस्में होती हैं। पहली किस्म है बेरंग माया, सफ़ेद बेरंग लिकोप्लास्ट। दूसरा है लोन जर्रा, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोफिल लोन जर्रा होने की वजह से दिगर अकसाम के लोन माया में तब्दील हो सकते हैं। मसलन हरे कच्चे टमाटर पक जाने पर क्लोरोफिल लाइकोपिन में तब्दील होने से टमाटर सुर्ख हो जाते हैं। यानी कच्चे टमाटर में क्लोरोफिल पाया जाता है, लोन जर्रा पाया जाता है और ये लाइकोपिन में तब्दील होता है, जिसकी वजह से टमाटर सुर्ख हो जाते हैं। जो पके हुए टमाटर हैं वो सुर्ख दिखाई देने लगते हैं। इस टेबल में देखिए, नबातात के हिस्सों का रंग दिया हुआ है और रंगीन मादे दिए गए हैं, जिसकी वजह से नबातात के हिस्सों का रंग होता है। सब्ज़ मिसाल पत्ते, पत्तों का जो सब्ज़ रंग है वो सब्ज़ माया क्लोरोफिल की वजह से है। ज़ाफ़रानी मिसाल गाजर, गाजर का जो रंग है ज़ाफ़रानी, ये कैरोटीन की वजह से होता है। रंगीन मादा कौन सा है? कैरोटीन है। जर्द ये ज़ैंथोफिल की वजह से होता है। जामनी और नीला रंग ये एंथोसाइनिन की वजह से होता है। गहरा गुलाबी रंग मसलन चुकंदर, ये बीटालेंस की वजह से होता है। रंगीन मादा है बीटालेंस। चुकंदर जिसे हम बीटरूट कहते हैं। आप जानते ही हैं कि नबाती पत्तों में होने वाली शुआई तरकीब के लिए सब्ज़ माया क्लोरोप्लास्ट ज़रूरी है। सब्ज़ माया ये शुआई तरकीब के लिए ज़रूरी है और सब्ज़ माया क्या करता है? शमसी तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करता है। कीमियाई तवानाई यानी ये नबातात की गिज़ा तैयार होती है। सब्ज़ माया में शुआई तरकीब के लिए ज़रूरी खामरे, डीएनए, राइबोसोम और निशास्तादार मादे होते हैं। सब्ज़ माया की शक्ल में देखिए, इसमें दो गिलाफ होते हैं, एक अंदरूनी गिलाफ है और एक बैरूनी गिलाफ है। इब्तिदा में हमने देखे कि लोन माया दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, तो इसमें दो झिल्ली दो गिलाफ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद रंगीन जर्रात, थाइलेकॉइड जो पिलर की तरह एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो थाइलेकॉइड है। और दरमियान में जेली जैसे मादा, जिसे कहफा कहते हैं। सब्ज़ माया और क्लोरोप्लास्ट की इस शक्ल को देखिए, इसमें इनर मेम्ब्रेन अंदरूनी गिलाफ, आउटर मेम्ब्रेन बैरूनी गिलाफ, उसके बाद रंगीन जर्रात दिखाई दे रहे हैं और थाइलेकॉइड जो कॉलम्स दिखाई दे रहे, ऐसे लग रहा है जैसे कॉइन्स एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, वो थाइलेकॉइड्स है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट की साख्त और बनावट। इसके बाद वाला पॉइंट है सब्ज़ माया के अफ़ाल। तो उसमें सबसे पहला फेल है, सब्ज़ माया क्लोरोप्लास्ट शमसी तवानाई जज्ब करके उसे कीमियाई तवानाई यानी गिज़ा में तब्दील करता है। उसके बाद दूसरा इसका फेल है, लोन जर्रे की वजह से फूलों और फलों को मुख्तलिफ रंग मुहैया होते हैं। तीसरा फेल है, बेरंग माया निशास्ता अमेज मादों, रोगनी मादों और प्रोटीन की तालीफ और ज़खीरा करते हैं। और बेरंग जो माया होता है यानी लिकोप्लास्ट, ये निशास्ता अमेज मादे और प्रोटीन और रोगनी मादों की तालीफ करते हैं, बनाते हैं और उनका ज़खीरा भी करते हैं। खलवी साख्त और हैवानसों का मुताला करने के बाद आप समझ गए होंगे कि नबाती और हैवानी खलिये में मौजूद हैवानसों की वजह से खलिये के आफाल अच्छी तरीके से अंजाम पाते हैं। इस किस्म के इर्तका याफ्ता खलिये को वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया कहते हैं।
गुज़िश्ता जमात में आपने बैक्टीरिया के गैर वाज़े मरकज़ बरदार खलिये का मुताला किए थे, अब खलियों की इन दोनों किस्मों का मुवाज़ना करेंगे। वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया और गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया। तो वाज़े मरकज़ा बरदार खलिये की जसामत 5 से 100 माइक्रोमीटर होती है और गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिये की जसामत 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है। यानी गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिये ये छोटे होते हैं वाज़े मरकज़ा बरदार खलिये से। वाज़े मरकज़ा बरदार खलिये में क्रोमोसोम की तादाद 1 से ज़्यादा होती है और गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिये में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। अब वाज़े मरकज़ा बरदार खलिये में मरकज़ा वाज़े नज़र आता है, बिल्कुल साफ नज़र आता है। इसमें मरकज़वी झिल्ली, मरकज़ीचा और मरकज़ा माया मौजूद होते हैं। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिये में मरकज़ा गैर वाज़े होता है, यानी मरकज़े साफ तरीके से समझ में नहीं आता कि मरकज़ा कौन सा है, मरकज़ी झिल्ली कौन सी है, मरकज़ीचा कौन सा है, ये समझ में नहीं आता। इसके बाद वाज़े मरकज़ा बरदार खलिये में तवानिये लोन माया मौजूद होते हैं, जबकि गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिये में गिलाफ और हैवान से नहीं होते, उसमें हैवान से नहीं होते, जैसे तवानिये है, लोन माया है, ये उसमें नहीं पाया जाता। वाज़े मरकज़ा बरदार खलिये की मिसालें इर्तका याफ्ता यक खलवी और कसीर खलवी नबातात और हैवानात में वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात पाए जाते हैं। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिये की मिसाल है बैक्टीरिया। शक्ल में देखिए, वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया यानी यूकैरियोट और गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया यानी प्रोकैरियोट। तो वाज़े मरकज़ा बरदार खलिये की जसामत ये गैर वाज़े मरकज़े बरदार खलिये से ज़्यादा दिखाई दे रही है, बड़ी दिखाई दे रही है। फिर यूकैरियोट्स यानी वाज़े मरकज़े बरदार खलिये में खलवी हैवान से भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में हैवान से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू।